वेलकम टू द इंद्रपुरम एंड दिस इज नीतिखंड टू द प्राइम लोकेशन ऑफ इंद्रपुरम प्राइम लोकेशन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी एंड द कनेक्टिविटी विद द अदर सराउंडिंग इन इंद्रपुरम राइट यू गेट द मार्केट प्लेस एट योर वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस राइट प्लॉट एंड दिस राइट लेन यू गेट द मार्केट malls, you get the supermarkets, you get the hospitals on very walking distance. आज हम आपके लिए जो फ्लैट लेकर आए हैं वो फ्लैट एक 4 BHK फ्लैट है इन नीतिखंड 2. ये पूरा का पूरा एक यूनिट है जिसमें एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं, एक 3 BHK, एक 4 BHK. तो ये 350 मीटर में बना हुआ पूरा का पूरा एक जो यूनिट है वो है पूरा बिल्डर फ्लोर है. इसी 350 मीटर में बने हुए आपका जो फ्लोर है उसके नीचे आपको पार्किंग मिल जाता है, एक अच्छा इनफ पार्किंग स्पेस मिल जाता है. आप यहाँ पे अपनी 2-व्हीलर या फिर 4-व्हीलर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. एंड उसी के साथ ही साथ इस बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट एक्सेस मिल जाता है ऑन माय लेफ्ट एंड ऑन माय राइट यू गेट द स्टेयर एक्सेस. सो यू हैव अ गुड कम्यूटिंग टू योर फ्लैट एंड ऑल्सो ये जो पार्किंग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग. तो हम इस फ्लैट के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि हमें इस पूरे 4 BHK के अंदर क्या मिलता है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ हमारा लिफ्ट है, यहाँ हमारा स्टेयर्स है. तो दिस इज़ अगेन अ वेरी good and a premium range flat because of its location and because of its accessibility. And let me remind you again that this flat is located in the prime location of Indrapuram, right? So connectivity ke mamle mein again 10/10 and accessibility ke mamle mein again 10/10 on this location. So dekhte hain flat upar chalke, let's go. तो हम आ चुके हैं अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे. यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आपका बिल्डर फ्लोर है वो डिवाइडेड है. आपका इस 350 मीटर के बिल्डर फ्लोर में आपको 3 फ्लैट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें से आपका ये जो 2 4 BHK फ्लैट्स हैं वो आपका लगभग 1700 से 1800 स्क्वायर फीट के आसपास हैं. और ये जो आपका 3 BHK फ्लैट है ये आपको पीछे वाले यूनिट की तरफ मिल जाता है. तो ये पूरा का पूरा आपका 350 मीटर में बना हुआ है, ये जो 3 फ्लैट हैं वो मिल जाते हैं इस फ्लोर पे. यहाँ पे आपको लिफ्ट का प्रोविज़न मिल जाता है जो कि रेडी है कम्प्लीटली. ठीक है, आपको यहाँ पे एक फ्लैट मिलता है एंड देन यहाँ पे फ्लैट मिलता है. तो हम देखते हैं इस फ्लैट के अंदर सारी की क्या हमको अमेनिटीज़ मिलती हैं, क्या हमको फीचर्स मिलते हैं सारे फ्लैट में. तो ये एक कम्प्लीटली बिल्ड है, सिर्फ 2 ही यूनिट इस पूरे फ्लैट में खाली हैं. तो आते हैं हम अंदर. जैसे ही हम गेट खोलते हैं तो गेट खोलने के बाद जो हमें हल छोटा सा गैलरी मिलता है उसके लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है हमारा जो हमारा पहला बेडरूम है वो. एंड देन उससे थोड़ा सा और आगे हम आते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा ये जो आपका लिविंग एरिया है वो. लिविंग एरिया के साथ ही साथ हमारा सामने जो मिल जाता है आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाइनिंग स्पेस मिल जाता है डाइनिंग एरिया वाला. एंड देन आपका किचन है, आपका सेकंड रूम, आपका थर्ड एंड फोर्थ रूम, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक फ्लैट का स्ट्रक्चर मिल जाता है. तो अब अगर हम अपने रूम्स की बात करें तो जो हमारा पहला रूम है हम उसमें चलते हैं. तो हमारे एंट्री करने के राइट साइड में जो हमारा रूम है वो मिल जाता है ये. तो लुक एट दिस ब्यूटिफुल इंटीरियर जो जिस तरीके से इस रूम का डिज़ाइन करा गया है. आपका ये जो POP का जो डिज़ाइन है, ये जो LED स्ट्रिप है वो आपकी इनबिल्ट है इस POP के डिज़ाइन के अंदर. आपको फैंस सारे एज इट इज़ मिल जाते हैं, आपकी सीलिंग सारी की सारी दिस ब्यूटीफुल वे में आपको मिल जाती है. आपको जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारे के ये क्रॉम्पटन के सारे फैंस हैं, आपके सब स्विच बोर्ड एक टॉप क्वालिटी के स्विच बोर्ड्स हैं, पॉलीकैप की फिटिंग है पूरे के पूरे फ्लैट में. तो आपको क्वालिटी पे कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है. ये जितना भी आपका जो डोर्स हैं, जो भी वुडवर्क आपका हुआ है वो एक टॉप क्वालिटी का हुआ है. ये फ्लैट भी आपको इंद्रपुरम के एक प्राइम लोकेशन पे मिलता है नीतिखंड 2 के अंदर. सो विच इज़ अ वेरी गुड लोकेशन इन इटसेल्फ बिकॉज नीतिखंड 2 से आपकी जितनी भी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाती हैं. आपका स्वर्ण जयंती पार्क आपको 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाता है. उसी के साथ ही साथ आपको आपके शॉपिंग मॉल्स, शिप्रा मॉल, आदित्य मॉल, डी मॉल तो ऑलमोस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है. उसी के साथ ही साथ आपको जो आपके सुपरमार्ट्स हैं वो भी सारे मिल जाते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी प्राइम लोकेशन ऑफ इंद्रपुरम एंड वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ इंद्रपुरम. सो इन दिस ब्यूटीफुल लोकेशन वी आर ब्रिंगिंग यू 1800 स्क्वायर फीट आपका जो इस फ्लैट का जो डोमेंशन है वो है. तो इस फ्लैट के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है.
तो हमारा अटैच वॉशरूम हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। बाथरूम है इसके अंदर, जो आपको सैनिटरी वेयर हैं सारे के सारे आपको कजारिया से मिलते हैं, अगेन वो केरोवाइट कंपनी के। उसके साथ ही साथ आपके जितने भी ये टैप के पैनल्स हैं वो सारे के सारे आपको कजारिया कंपनी के मिलते हैं। आपको शावर मिल जाता है, आपको एक टाइल्स जो है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी की एक अच्छी टाइल्स मिल जाती हैं। आपका डोर एक पूरा मतलब एक लॉन्ग डोर है जो आपको एक प्रीमियम फील देता है। उसी के साथ साथ इसी रूम में आपको एक वार्डरोब मिल जाते हैं, ये आपके वार्डरोब है, तो बहुत ही मतलब आपका अच्छा और स्पेशियस वार्डरोब है, जो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो आपको वॉशरूम के साइड में ही वार्डरोब मिल जाते हैं वो। ये हो गया हमारा पहला रूम, और पहले रूम के साथ ही हमको यहाँ पे पूरा का पूरा एक विंडो आप कह सकते हैं ग्लास देखने को मिल जाता है, जिससे हम पूरा का पूरा अपना गैलरी का साइड देख सकते हैं अपने बेडरूम के अंदर से। ओके, जैसे ही हम आगे आते हैं तो अब हमारे पास जो आपका लिविंग हॉल है हमें वो मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने सोफे लगा सकते हैं। इसके अंदर जितना भी अभी रिमूवेबल सामान है वो अवेलेबल आपको मतलब मिलता नहीं है फ्लैट के जो आपका प्राइस है उसके साथ। आप बिल्डर से बात कर सकते हैं कि आपको एज इट इज़ सामान जो अच्छा लग रहा है वो चाहिए, तो वो आपको मिल सकता है, ऑन टेबल आप बात कर सकते हैं। बट ये जो फ्लैट है आपको वो विदाउट दीज जो आपका फर्नीचर है उसके साथ मिलेगा। लेकिन ये जो लाइटिंग, शैंडलियर और जितना भी आपके फैंस और जो बेसिक आपका जो चीज़ें हैं इंटीरियर में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपको एक रिच फीलिंग देती हैं ये वाली, जितनी भी लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जितने भी आपके ये जो शैंडलियर लगे हुए हैं, जो भी आपके ये ग्रिल हैं वुड की, वो सारी की सारी आपको एक प्रीमियम फीलिंग देते हैं। उसी के साथ ही साथ हमारा जो सेकेंड बेडरूम आता है वो है ये बेडरूम हमारा। इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है, क्योंकि वॉशरूम हमारा ये है जो हम कॉमन एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो फ्रंट वॉल है वो एक प्रीमियम वॉलपेपर से कंप्लीट किया हुआ है, तो काफ़ी आपको अच्छा खासा वो लुक देता है। आपके पास इनफ स्पेस होता है आपका, देखिए आप एक अपना एक बेड डाल सकते हैं, उसके साथ भी आपको कई सारा स्पेस मिल जाता है। सो यू गेट अ प्लेंटी ऑफ स्पेस, यू गेट अ प्लेंटी ऑफ रिच फीचर इन दिस फ्लैट एज वेल। एंड आपको जो एसी की जो प्री रिक्विशिट चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ मिल जाती हैं पहले से ही, ताकि आप जब अपना एसी फिटिंग कराएं तो उसमें आपको कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े आपका जो अच्छा फ्लैट है उसको बेकार किए बिना। उसके साथ जो हमारा कॉमन जो वॉशरूम हम जिसे कह सकते हैं, जो हमें कॉमन एरिया से एक्सेस मिलता है, वो हमारा ये है। ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी अंदर तक जाता है, काफ़ी गहरा है। यहाँ का आपका जो बाथ एरिया है वो ये रहा, आपका जो टॉयलेटरी एरिया है वो ये रहा। अगेन यहाँ पे सारे के सारे जो भी सैनिटरी वेयर हैं वो सारे कजारिया से हैं, सारे आपके टैप पैनल, सारे आपके जो भी सैनिटरी ये हैं ज़रूरत, वो शावर, ये सारा का सारा आपको कजारिया कंपनी से मिलता है। आपके टाइल्स एक टॉप क्वालिटी के टाइल्स हैं सारे, आपको मतलब देख के कहीं से भी ज़रा सी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप थोड़ा सा चीप या फिर कहीं भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है। यही इन फ्लैट की खासियत होती है कि आपको जब अच्छे बिल्डर एक फ्लैट प्रोवाइड कराते हैं तो वो कभी भी किसी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो अपनी जितनी भी क्वालिटी जो पॉसिबल हो सकती है एक अच्छे प्रीमियम रेंज में, वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कराते हैं विद इन दी फ्लैट। तो कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं होती है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है ऑन क्वालिटी। एंड ऑल्सो ये जो पूरा फ्लैट है, मैंने बोला कि इंदिरापुरम में एक बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है, नीतिगंज 2। ये आपका किचन एरिया है, आपको किचन पूरा मिल जाता है जिसमें आपका सिंक एकदम एज पे है। उसी के साथ आपको जो चिमनी का सेक्शन है वो यहाँ मिल जाएगा। आपका किचन मॉड्यूलर किचन ही है एक कॉन्सेप्ट पे, आपको बहुत सारे यहाँ सेक्शंस मिल जाते हैं, ड्रॉर्स मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। तो आपको स्पेस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिल जाता है अपने ज़रूरत के सामान रखने के लिए, क्विक एक्सेस की चीज़ों के लिए। ऐसे आपके जो कैबिनेट हैं वो बने हुए हैं, आपको हर तरीके से आपको आपके कैबिनेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक विंडो है, ऊपर एग्जॉस्ट भी लग सकता है, आप इस विंडो को भी खोल सकते हैं जिस टाइम आप खाना बनाएं। नाउ हमारा लिविंग हॉल हुआ, एंड देन हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो हुआ, उसी के साथ हमारी किचन हुई। किचन के साथ ही हमारे ये दो जो बेडरूम हैं वो हैं अटैच, जो कि बालकनी से अटैच हैं। तो हम चलते हैं हमारे इस बेडरूम में, ये देखते हैं कि इस बेडरूम में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे ही हम इस बेडरूम में आते हैं तो जो सामने गेट है वो है हमारा बालकनी का एक्सेस, हम यहाँ से बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अभी बालकनी देखेंगे, बट उससे पहले हमारा जो ये बेडरूम है वो देखते हैं। आपको सीलिंग, लुक एट द सीलिंग, जो आपका सीलिंग है वो कितना प्रीमियम और एक लग्जूरियस जो डिज़ाइन है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है।
ये बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कह सकते हो कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसको एनहेंस करने के लिए जो एलिमेंट्स ऐड करे जाते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखा है बिल्डर ने इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए। अगेन एसी की जो फैसिलिटी है आपको उसके प्री रिक्विजिट मिल जाते हैं, उसके पाइपलाइंस और वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिल जाता है जो कि कम्प्लीटली वुड का है, तो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपका वार्डरोब मिल जाता है, बड़ा वार्डरोब मिल जाता है स्लाइड डोर्स के साथ। उसी के साथ आपको इस भी रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। तो हमने देखा हमारा जो पहला बेडरूम था उसके साथ हमें अटैच वॉशरूम मिला, सेकंड वाला जो हमारा रूम है उसमें वो वॉशरूम अटैच नहीं है लेकिन जस्ट रूम से निकल के दूसरा जो कॉमन एरिया था वहाँ से है, एंड देन हमारा इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। अटैच वॉशरूम में आपके जितने भी सैनिटी वेयर हैं, आपके जितने भी आपके शावर है, वो सारा का सारा आपका कजारिया कंपनी से मिलता है। तो देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी क्वालिटी। आपका जो डोर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपके वुड के मिल जाते हैं। तो अब अगर हम इस बेडरूम से जैसे ही हम अपना डोर खोलते हैं ये वाला, तो हमें मिल जाता है अपने बालकनी का एक्सेस। हमने जो अभी रूम देखा उसके बाद जो हमें मिल जाता है वो ये बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। तो ये एक आपका प्लेंटी ऑफ स्पेस है इस बालकनी में, आप अपना गार्डन बना सकते हैं छोटा सा, आपने अपने पौधे के लिए कर सकते हैं, आप इवन लॉन्ड्री के लिए यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन एंड वो। तो ये आपका एक यूटिलिटी एरिया की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप शाम को यहाँ पे अपने चेयर डाल के बैठ भी सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कर सकते हैं आपका जो फ्रेश एयर है उसे, आपका जो सनलाइट है उसे। एंड देन आपको जो फ्रंट साइड है वो कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जो आपका जो मेन रोड है ये नीतिगंज का जो बीच में जो लेन है वो आपको मिल जाती है। उसी के साथ आपको यहाँ पे भी पावर प्लग्स मिल जाते हैं इसमें, ताकि आप अगर अपनी कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल लाइटिंग या कुछ चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं अप्लाइंसेस को, तो वो आप इजीली कर सकें। नाउ जो हमारा लास्ट रूम है, जो हमारा बेडरूम 4 है, उसके अंदर जो विंडो आपको दी गई है वो पूरी एक ग्लास विंडो दी गई है ये, जिससे कि आपको इनफ सनलाइट आपके बेडरूम के अंदर आ सके। इनफ सनलाइट हमारे दूसरे रूम के अंदर भी थी क्योंकि वहाँ पे भी हमें विंडो देखने के लिए मिल जाती है। इसमें भी इनफ स्पेस है, हमारा सीलिंग बहुत अच्छा है, हमारे फैन क्रॉम्पटन के लगे हुए हैं, हमारा वार्डरोब है स्लाइड वार्डरोब है। तो आपको इनफ आपके रूम में अपना मतलब जगह मिल जाती है आपके वार्डरोब के लिए। तो ये आपका वार्डरोब इसके साथ आपको मिल जाता है। आपका जो फ्रंट वॉल है वो भी आपका पीओपी से आपका काम हो रखा है, आपकी सीलिंग पे लाइटिंग का पूरा काम हो रखा है, वो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एम्बियंस लाइट डाली गई है आपकी सीलिंग में, वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रिच फीलिंग आपको देती है। तो ये था हमारा नीतिगंज 2 में एक ओवर द टॉप आपका एक प्रीमियम रेंज में जो एक फ्लैट होता है वो, विद ऑल दी एमिनिटीज, विद ऑल दी लग्जरियस एमिनिटीज एंड ऑन प्राइम लोकेशन विद ईजी टू एक्सेस कनेक्टिविटी, जिससे आप अपने मॉल्स हो गए, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्वालिटी वाइज इस फ्लैट में बिल्डर ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। इस वीडियो में इतना ही इस फ्लैट के बारे में, और अगर आपको इस फ्लैट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और एक और लग्जूरियस फ्लैट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।